नमस्कार, मैं दीक्षा पांडे, आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज इंडिया। होम आइसोलेशन में नए NHM कर्मचारी कार्य बाधित। जी हां, खबर उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर से है, जहां NHM कर्मचारियों के 2 दिन के लिए होम आइसोलेशन पर चले जाने से स्वास्थ्य केंद्र में कोविड वैक्सीन सहित अन्य कार्य प्रभावित रहे। बता दें कि मंगलवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात 35 कर्मचारी सामूहिक आइसोलेशन पर चले गए, जिससे वैक्सीन सहित अस्पताल में होने कार्य प्रभावित हो गए। स्वास्थ्य विभागीय अधिकारियों ने अन्य कर्मचारियों को लगाकर वैक्सीन और जरूरी कार्य को शुरू किया। NHM कर्मचारियों ने 9 सूत्री मांगों को लेकर 28 से 31 मई तक काले फीते बांधकर कार्य किया था। CM को ज्ञापन भेजकर 1 और 2 जून को सामूहिक होम आइसोलेशन पर जाने की चेतावनी दी थी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार NHM कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से होम आइसोलेशन पर चले गए, जिसे CSC में औषधि वितरण, सैंपलिंग, वैक्सीन सहित वितरण कार्य प्रभावित हो गया। अस्पताल में मरीज भी इधर उधर भटकते नजर आए। CMS डॉक्टर पंकज माथुर ने बताया कि कार्यों के प्रभावित होने पर अन्य इकाई से कर्मचारियों को बुलाकर कार्य सुचारू कराया गया। कल भी इस तरह कार्य किया जाएगा। देखिए बाजपुर से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। कि NHM के हमारे करीब 35 कर्मचारी जो हैं 2 दिन के होम आइसोलेशन में, इससे हमारा कोविड वैक्सीनेशन कार्यक्रम प्रभावित हुआ है, सैम्पलिंग का हुआ है, और भी हम जो जगह भेजते हैं और भी रिपोर्टिंग है या RT-PCR में हम सारे रिपोर्ट बनाते हैं, उसमें भी जो कर्मचारी लगते हैं वो भी इससे भी काम प्रभावित हुआ है। फिलहाल इसको देखते हुए, आकस्मिक उसको देखते हुए, हमने और इकाइयों से और फिर चिकित्सालय से और लोगों को हेल्प लेके हमने आज का काम कर लिया है, व्यवस्था कर ली है, कोई काम प्रभावित नहीं हुआ है। थोड़ा फर्क तो पड़ेगा लेकिन पूरा नुकसान नहीं होने का।